प्रेज द लॉर्ड। आप सभी व्यूअर्स का प्रेयर ग्रुप इन जीसस के इस पेज पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्रिसमस सेलिब्रेशन का ये लाइव टेलीकास्ट आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे आशीष मिले। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक वर्शिप सॉन्ग के साथ करेंगे। गीत कहता है कि हम कैसे उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जब हम गुनाह में थे, वो हमारे लिए एक उम्मीद और एक नूर बनकर इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए अपनी जान को दी और हमें एक अपनी जिंदगी उसने दी। हालेलुया, आमीन। सभी प्यारे व्यूअर्स को हैप्पी क्रिसमस या बड़े दिन की शुभकामनाएं मैं आप सब तक पहुंचाता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन मैं यीशु मसीह के बारे में आपको कुछ बातें बता सकूं। अक्सर लोग खोजते हैं सदियों का महानायक कौन है ना। कई फेमस ऐसे पर्सनालिटी आए, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं तो हम कहते हैं कि अगर पूरी सदी में कोई ऐसा व्यक्ति तारीफ के काबिल है तो ये व्यक्ति होना चाहिए। परंतु आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में या एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में
जो ना सिर्फ एक सदी परंतु जब से समय था और जब तक समय रहेगा आने वाले समय में भी एक ऐसे महानायक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका जन्म दिवस पूरी दुनिया आज के दिन मना रही है। हालेलुया। ये जो शख्स हैं या प्रभु यीशु मसीह जो है वो जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने कई ऐसी क्लेम्स को कई ऐसी बातों को कहा जो उस जमाने के लोग हैरान हो गए। उनको उन बातों को स्वीकार करने में काफी दिक्कतें हुई, परंतु यदि एक सिंपल मन से जब हम उन बातों को मनन करते हैं और उसको विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन में एक बहुत बड़े उम्मीद और आशा का द्वार खुलता है। उन्होंने जब पृथ्वी पर थे तो कई बातें कही। एक बार उन्होंने कहा कि मैं आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, और साधारण जीवन नहीं परंतु बहुतायत का जीवन मिले। आगे एक बार वो कहते हैं कि मैं पिता की ओर से आया हूं, यानी कि स्वर्ग से आया हूं अपनी पिता की मर्जी पूरी करने के लिए, और मैं वापस अपने पिता के पास जाता हूं। और आज जो मुख्य बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो यीशु मसीह ने कही कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। दो बातें वो बोलते हैं। नंबर वन कि आप, मतलब वो स्वयं सेवा करने के लिए आया, एंड नंबर टू वो कहते हैं कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का जो मकसद था वो यही था कि वो अपने प्राण न्योछावर करे, वो सेवा करे। वो इसलिए नहीं आया कि अपना राजा होकर के वो अपना राज्य स्थापित करे। अगर राजा बनने का उसका मकसद होता तो उसके पास लाखों करोड़ों के स्वर्ग दूतों की सेना थी। अगर वो एक चुटकी बजाता तो शायद सारी पृथ्वी उसके सामने घुटने टेक देती, परंतु उसने वो काम नहीं किया। वो ना ही एक बड़ा राजनेता बनना चाहता था। अगर ऐसा होता तो एक बड़े नेता के घर में या बड़े इन्फ्लुएंशियल फैमिली के घर में वो पैदा होता और पॉलिटिकल बातें वो बोलता, पर ये काम करने के लिए नहीं आया। उसके आने का एक मकसद था और वो था कि वो अपने प्राण को दूसरों के लिए या मानव जाति की छुड़ौती के लिए वो अर्पण करे। हालेलुया। सो बिली ग्रहम एक बहुत ही फेमस प्रचारक जो है उन्होंने अपनी किताब पीस विद गॉड उसमें कहा कि मानव जाति को तीन बातों से वो घिरी हुई है, या तीन समस्याएं जो है उन तीन समस्याओं से जो मानव जाति है वो घिरी हुई है। अब हम कहते हैं कि यीशु मसीह अपने प्राण को कुर्बान करने के लिए आया, तो किस बात की छुड़ौती के लिए वो अपने प्राण को कुर्बान करने के लिए आया? तो ये तीन बातें अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको दिखाई देगी। नंबर वन पाप, नंबर टू दुख, और नंबर तीन मृत्यु। चाहे कोई सा भी देश हो, चाहे कोई सी भी जाति हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, चाहे कैसे भी लोग क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति इन तीन बातों के वश में दिखाई देते हैं। नंबर वन पाप, नंबर टू दुख, और नंबर तीन मृत्यु। तो यीशु मसीह हमको इस जो बंधन से आजाद करने के लिए या इन तीन बातों की गुलामी से आजाद करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। उनका मकसद ही यही था कि वो मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण को कुर्बान करे। कई लोग बोलते हैं कि अरे ये यीशु मसीह ये इतना कमजोर है, ये इसको तो लोगों ने मार के सूली पे चढ़ा दिया, ये लोगों को क्या बचाएगा। पर मेरे प्रिय भाई और मेरी प्रिय बहन, उसका मकसद ही ये था कि वो आए और सूली की मौत को सहे। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। क्यों? क्योंकि हमें इन तीन बंधनों से वो आजाद करना चाहता था। कौन से तीन बंधन? पाप, दुख और मृत्यु के। हालेलुया।
दुनिया अगर हम उनसे पूछें कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वो बोलेंगे कि जो बदलता वातावरण है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ रही है, ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। और अगर किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि शायद पॉपुलेशन समस्या सबसे बड़ी है। किसी और से पूछेंगे तो शायद वो कहेंगे कि भाई टेररिज्म की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, या किसी और से पूछेंगे तो शायद आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, या जो एटॉमिक बॉम्ब्स जो बना रहे हैं देश, वो सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। परंतु बाइबल के अनुसार जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि मनुष्य जाति को छुटकारा चाहिए। आप पूछेंगे किस बात से छुटकारा? छुटकारा पाप से, दुख से और मृत्यु से। हालेलुया। इस मकसद को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया। ओके, सो अगर दुनिया को किसी व्यक्ति की जरूरत है, अगर कोई सुपर हीरो की जरूरत है जो मानव जाति के सबसे बड़े संकट को सॉल्व कर सकती है, तो वो है एक उद्धारकर्ता की। इस दुनिया को पॉलिटिशियंस, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं, लीडर्स हैं, वो अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं, परंतु इस दुनिया को वास्तविकता में एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है कि कुछ गरड़िए एक रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तो वहां पर एक स्वर्गदूत आया और उसने ये कहा कि मत डरो, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। उस स्वर्गदूत ने परमेश्वर की ओर से इन दुनिया के सब लोगों के लिए एक मैसेज भेजा कि देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। अब सवाल ये उठता है कि ये समस्या आई कैसे? हम क्यों मौत, कष्ट और पाप में फंसे? बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसको ऐसे डिजाइन किया था कि वो पाप में नहीं, परंतु परमेश्वर के अधीन संपूर्ण समर्पण में और संपूर्ण आज्ञाकारिता में जिए, और इस समर्पण और आज्ञाकारिता के कारण वो सदैव परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी महिमा के तेज में बसने वाला प्राणी होकर के वो जिए। और डेफिनेटली उसको इसलिए नहीं बनाया था कि वो एक दिन आके मर जाए, परंतु वो सदा काल के लिए परमेश्वर के साथ रहे। उसको मरने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, परंतु परमेश्वर ने उसको अपने संग, अपनी सानिध्यता में रहने के लिए बनाया था। हालेलुया। परंतु बाइबल हमें बताती है कि एक दिन इसी प्रथम मानव ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके अंदर जो कष्टों के दरवाजे जो थे वो खुल गए, पाप ने अपने हुकूमत उसके ऊपर जमा ली, और मृत्यु की जो घड़ी थी वो उसके भीतर टिक टिक करना शुरू कर दी। जो बाइबल ये बताती है कि जिसकी आज्ञा को हम मानते हैं उसके सेवक हम कहलाते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा मानते थे इसलिए परमेश्वर के दास थे, पर जैसे ही उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो हम किसी और के कंट्रोल में आ गए, और क्योंकि हम पाप के अधीन हो गए इसलिए वो स्वभाव जो है उस प्रथम मानव से लेकर के अब तक चले आ रहा है। और ये साइकिल अगर तोड़ी नहीं जाती तो हर मानव जो है, हर मनुष्य जो है, वो आग के या नरक में झोंक दिया जाता, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना मतलब मृत्यु है। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे तो हमको मृत्यु के अलावा और कोई दंड हमको नहीं है, कोई लाइटर या कोई हल्का पनिशमेंट नहीं है, परंतु ये जो पनिशमेंट है वो सब व्यक्ति के लिए होगा,
जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। और ये साइकिल को तोड़ने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में जन्म लेना पड़ा। सबसे पहले उसने उसको एक कुंवारी से जन्म लेना पड़ा। कुंवारी से क्यों? क्योंकि यदि वो दो इंसानों के मिलन से पैदा होते तो उसके अंदर वो पाप का स्वभाव पाया जाता, और अगर पाप का स्वभाव होता तो वो इस लायक नहीं होता, वो इस लायक नहीं होता कि मानव जाति के पापों को वो उठाए। नंबर टू, वो ना सिर्फ एक पवित्र जन्म लिया परंतु उसने अपने जीवन भर एक निष्कलंक मेमने के रूप में, एक निष्कलंक और निर्दोष व्यक्ति के रूप में अपने पूरे जीवन काल को उसने बिताया। कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं था जो उसके ऊपर ये दोष लगा सके कि उसने कोई गलत काम किया है। वो पूरा निर्दोष रहा। और नंबर तीन, ना सिर्फ वो निर्दोष रहा परंतु वो एक बलिदान के मेमने के रूप में इस पृथ्वी पर आया और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। और जो मौत का सेंटेंस हर इंसान के ऊपर था उसने अपने ऊपर ले लिया। हमारे जो पाप थे वो उसने अपने ऊपर ले लिया, और पाप के स्वभाव को उसने अपने शरीर में रह करके उसकी साइकिल को तोड़ दिया, ताकि जो लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। इसीलिए क्रिसमस का जो पर्व है वो एक आनंद का सुसमाचार है। वो किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं है, परंतु ये पाप का, कष्ट का और मृत्यु की साइकिल से हमें आजाद करने की एक खुशखबरी है। आज यीशु मसीह सिर्फ वो फोटो में हम देखते हैं कि क्रूस पर लटका हुआ एक व्यक्ति, ऐसे उसको ना देखे, परंतु यीशु मसीह के साथ हमें एक व्यक्तिगत अनुभव की आवश्यकता है, ताकि इस साइकिल को, जैसा यीशु मसीह ने इस साइकिल को तोड़ा, उसी तरीके से मैं और आप जब उसके पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम भी इस साइकिल को हम कट करने में सफल हो जाएंगे। और एक दिन यही यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ वापस आने वाला है इस पृथ्वी का न्याय करने के लिए। और इसी बात को मैं याद दिलाने के लिए हम सभी प्रिय व्यूअर्स को कि यीशु मसीह 2021 साल पहले इस पृथ्वी में वो एक सेवक का रूप लेकर के आया, परंतु अब अगली बार जब वो आएगा तो वो एक न्यायी के रूप में आएगा जजमेंट करने के लिए। इससे पहले कि वो आए, हम उस अनुभव में यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं और पाप की साइकिल और दुखों और मृत्यु की साइकिल उसके पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा उसको हम रोक सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और आपका जो ये सीजन है बहुत ही आशीषमय रहे। गॉड ब्लेस यू। Our Lord is a God who saves.